तो आज हम आपको लेके चलेंगे भारत के सबसे लंबे रेल के सफर पर। इस रूट को विवेक एक्सप्रेस नाम की ट्रेन कवर करती है, जिसकी शुरुआत असम में डिब्रूगढ़ से होती है तो वहीं अंत तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। इस 4273 किलोमीटर के सफर को तय करने के लिए आपको 9 राज्यों से गुजरते हुए तकरीबन 80 घंटे 15 मिनट का वक्त लगेगा, जिसमें 55 शेड्यूल्ड स्टॉप्स हैं। असम में अपना सफर शुरू करते हुए ये ट्रेन नागालैंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अंततः केरला होते हुए तमिलनाडु पहुंचती है, जिस दौरान ये कई स्टेशन जैसे कि तिनसुकिया, दीमापुर, गुवाहाटी, बोनगईगांव, अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी, किशनगंज, मालदा, रामपुरत, पकूर, दुर्गापुर, असनसोल, खड़गपुर, बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, खोरदा, ब्रह्मपुर, श्रीकाकुलम, विजयानगरम, विशाखापट्टनम, समालकोट, राजामुंद्री, एलूरू, विजयवाड़ा, ओंगोले, नेलोर, रेनीगुंटा, वेलोर, सेलम, इरोड, कोयंबतूर, पलक्कड़, थिसूर, अलुवा, एर्नाकुलम, कोटायाम, चेंगानूर, कोलाम, तिरुवनंतपुरम और नगरकोइल से गुजरती है।